अगर आपने अब तक हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे में जो सब्सक्राइब के रेड बटन है उसे प्रेस करें, बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आएगी उसे भी हिट करें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करके चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम टू हेल्दी लाइफ गोल्स यूट्यूब चैनल। आज की ये जो वीडियो है प्रोडक्ट रिव्यू रिलेटेड होने वाली है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सपल्स के इस प्रीमियम पैंट्स डायपर से रिलेटेड रिव्यू वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इसके पहले भी मैंने सपल्स के पैंट्स अपने बेबी के लिए यूज़ किए हैं। इसका पैक जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा पैक था जो मैंने ख़त्म कर दिया है। अब इसमें एक या दो पैंट्स ही बचे हुए हैं। मैंने फिर से इस प्रोडक्ट को रीपर्चेज़ किया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे पसंद आया, इसलिए ही मैंने इसे रीपर्चेज़ किया है। तो अगर आप भी अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा डायपर अपने बेबी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप सपल्स के इस प्रीमियम पैंट्स को एक बार अपने बेबी के लिए ज़रूर यूज़ करके देखें। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है इस डायपर्स को लेकर बहुत ही अच्छा रहा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस डायपर्स को अपने बेबी के लिए ज़रूर यूज़ करके देखें। बाकी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, 12 आवर्स एब्जॉर्प्शन, देन ज़िगज़ैग चैनल टॉप लेयर एंड जेल मैग्नेट बॉटम लेयर। सभी डायपर्स में ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई होती है। किसी डायपर्स की सोकिंग कैपेसिटी 12 आवर्स की, किसी में 8 आवर्स की, बट आपको आपके बेबी को इतना टाइम तक डायपर्स में ही रखना चाहिए। मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स में आपको बेबी का डायपर चेंज कर देना चाहिए। बाकी जो है ये मीडियम साइज़ है 7 to 12 केजीज के बच्चों के लिए, और जिन बच्चों का वेट 7 to 12 केजीज में है उनके लिए आप मीडियम साइज़ खरीद सकते हैं। इसमें जो है 72 डायपर्स आते हैं इस पैकेट में। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर और भी कई सारे डायपर से रिलेटेड रिव्यू वीडियो शेयर की है, जिसमें मैंने हगीज़ ब्रांड, पैम्पर्स, ऐसे कई सारे ब्रांड से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर रिव्यू वीडियो शेयर की है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन से डायपर्स को लेकर मेरा एक्सपीरियंस बेस्ट रहा है और कौन से डायपर्स को लेकर मेरा एक्सपीरियंस वर्स्ट रहा है। आप अगर उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है, तो आप उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें, आपके लिए वो वीडियोज़ हेल्पफुल रहेगी। इस सपल उसके प्रीमियम पैंट से रिलेटेड मैं आज आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगी, इसमें कौन से सारे क्लेम इस कंपनी ने किए हुए हैं और मेरे अकॉर्डिंग ये कितने सही है। तो सबसे पहला जो क्लेम ये कंपनी इस डायपर को लेकर कर रही है वो है, ज़िगज़ैग चैनल टॉप लेयर हेल्प्स प्रोवाइड वाइड लिक्विड डिस्ट्रीब्यूशन टू द लार्ज एब्जॉर्बिंग एरिया ऑफ द डायपर। तो इस डायपर्स में इन्होंने जो ज़िगज़ैग पैटर्न यूज़ किया है, उसके कारण जो है जो लिक्विड है, जो यूरिन है, उसे सभी एरियाज़ में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट जो है वो जेल मैग्नेट बॉटम लेयर हेल्प्स एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड कीप्स योर बेबी ड्राई। इसके बॉटम में इन्होंने जो जेल मैग्नेट का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड जो है, यूरिन जो है, उसे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में और आपके बेबी को ड्राइनेस मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगला जो है, द कोर एब्जॉर्प्शन पैड ऑफ द डायपर पैंट्स इंश्योर अ लार्ज एब्जॉर्प्शन एरिया एंड मैक्सिमम ड्राइनेस। इसकी जो पैडिंग है फ्रेंड्स, वो काफ़ी अच्छी है। लार्ज अमाउंट में, लार्ज एरियाज़ में जो है ये यूरिन को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा मैक्सिमम ड्राइनेस मेंटेन रखने में इसकी जो पैडिंग है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लेम ये कंपनी इस डायपर्स को लेकर कर रही है वो है, नॉन वुवन सॉफ्ट ब्रीदेबल मटेरियल आर जेंटल ऑन योर बेबीज डेलिकेट स्किन। इन डायपर्स को बनाने के लिए इन्होंने जिस मटेरियल का यूज़ किया है वो नॉन वुवन सॉफ्ट है काफ़ी। इसके अलावा ब्रीदेबल मटेरियल है जो आपके बेबी के डेलिकेट स्किन के लिए बहुत ही जेंटल रहेंगे, उसे किसी भी तरह का हार्म या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, वो है टिकल लॉक इनेबल्ड साइड कफ सेल्फ प्रिवेंट लीकेज। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो लेग चैनल है इसे इन्होंने टिकल लॉक कहा है, तो ये भी जो है काफ़ी अच्छा है। इसमें से किसी भी तरह का लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने इसे यूज़ किया है अपने बेबी के लिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिटिंग भी इसकी बहुत ही अच्छी आती है, लेग चैनल्स भी इसके जो टिकल लॉक है बहुत ही अच्छे दिए हुए हैं। अभी तक जो है मेरे बेबी को मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि इसमें से किसी भी तरह का लीकेज अब तक हुआ है। तो अब मैं आपको, मैंने जो यूज़ किया है पैकेट, उसमें से एक डायपर को ओपन करके दिखाती हूँ कि जो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर अभी क्लेम की है इस कंपनी ने, वो कितनी सही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह का ये डायपर आता है। ये इसकी बैक साइड है, यहाँ पर इन्होंने
दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। फ्रंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ बैक में लिखा हुआ है बैक साइड। तो ये फ्रंट और ये बैक साइड है, तो इसे आप समझ सकते हैं। देन जो है फ्रेंड्स, मैं अब आपको इसके जो सारे क्लेम हैं वो यहाँ पर दिखाती हूँ। तो ये जो है ज़िगज़ैग चैनल है, जैसा कि आप देख रहे हैं टॉप लेयर पर इन्होंने यूज़ किया है, जो काफ़ी अच्छी तरह से लिक्विड को हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और लार्ज एब्जॉर्बिंग इसकी कैपेसिटी है। तो इसका जो डिज़ाइन है ये ज़िगज़ैग में है, जिसके कारण ये जो यूरिन है उसे एक जगह पर जमा नहीं होने देता है और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट जो है जेल मैग्नेट, जो इन्होंने कहा है बॉटम लेयर पर, ये आप देख सकते हैं ये जो जेल मैग्नेट है, इसके कारण भी जो है लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड या यूरिन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बेबी के लिए ड्राइनेस को मेंटेन रखने में ये जो जेल मैग्नेट है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, इसका पैडिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी जो पैडिंग है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती है और मैक्सिमम ड्राइनेस को मेंटेन रखने में ये जो पैडिंग है ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ये जो मटेरियल है ये नॉन वुवन है, सॉफ्ट है, ब्रीदेबल मटेरियल का इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपकी जो बेबी की डेलिकेट स्किन होती है उसमें किसी भी तरह का हार्म नहीं होता है। तो ये भी चीज़ मुझे जो है इस डायपर को लेकर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। इसके अलावा ये जो वेस्ट बैंड इन्होंने इस डायपर में यूज़ किया है ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, ब्रीदेबल है। इसके अलावा ये जो मटेरियल है ये काफ़ी सॉफ्ट है, आपके बेबी की स्किन के लिए हार्श नहीं रहेगा। कई सारे ऐसे डायपर्स होते हैं जिनके ये जो वेस्ट बैंड है इसके कारण बेबी को रेडनेस हो जाता है और उस जगह पर रैशेस की भी प्रॉब्लम होती है, बट इस डायपर्स में मुझे ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं आया। काफ़ी अच्छा वेस्ट बैंड है ये, काफ़ी स्ट्रेचेबल है और काफ़ी सॉफ्ट है, तो बेबी को किसी भी तरह से इससे डिस्कम्फर्ट या प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका जो लेग चैनल है फ्रेंड, जिसे इन्होंने टिकल लॉक कहा है, वो भी काफ़ी अच्छा है, इसमें से लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो है इसका आउटर चैनल है और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनर चैनल है, इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, किसी भी तरह की लीकेज इसमें नहीं होती है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, ब्रीदेबल है। ये भी बेबी को इसकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी तरह से आ जाती है और किसी भी तरह का लीकेज इसमें से अब तक तो मैंने अपने बेबी को जो यूज़ किया है उसमें ऐसा कुछ भी मैंने नोटिस नहीं किया कि ये जो लेग चैनल है इसमें से किसी भी तरह का लीकेज हुआ है। तो ओवरऑल जो है ये सपल्स का प्रीमियम पैंट्स मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप इस तरह से कुछ ऐसा अफोर्डेबल और यूज़फुल क्वालिटी क्वांटिटी वाइज अच्छा डायपर अपने बेबी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस सपल के प्रीमियम पैंट्स और डायपर्स को ज़रूर ख़रीद के देखें और ऑनलाइन आप इसे परचेस करें, क्योंकि ऑनलाइन जो है फ्रेंड्स ये डायपर्स आपको ऑफ़र में अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाते हैं। तो मैं पर्सनली कोई भी डायपर हो उन्हें ऑनलाइन ख़रीदना ही प्रिफर करती हूँ। बाकी जो इस डायपर का साइज़ है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीडियम साइज़ है, 7 to 12 kg बच्चों का जो वेट है उनके लिए, 72 pounds है इसमें। स्मॉल साइज़ भी है 4 to 8 kg के बच्चों के लिए, लार्ज साइज़ जो है वो 9 to 14 kg के बच्चों के लिए और एक्सेल साइज़ जो है वो है 12 to 17 kg जिन बच्चों का वज़न है उनके लिए। इसके अलावा इसकी जो मार्केट रिटेल प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हैं 949, तो करीब 950 rupees में आपको मिलता है मार्केट में अगर आप इसे ख़रीदते हैं। बेस्ट यूज्ड बिफोर 3 years फ्रॉम पैकेजिंग है इसकी, 3 साल का इसका लाइफ शेल्फ दिया हुआ है। अगर आप इसे मार्केट में खरीदेंगे तो 950 अराउंड आपको मिलेगा और आप इसे अगर ऑनलाइन ख़रीदते हैं, मैंने इसे ऑनलाइन ख़रीदा तो मुझे ये 520 या 530 में मिल गया था, तो 300 rupees का डिस्काउंट मुझे इस पर मिला था। ओवरऑल जो है ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। डायपर्स में जो है ये सपल के प्रीमियम पैंट्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्वान्टिटी वाइज क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छे हैं, तो डेफ़िनेटली मैं इसे रिपर्चेस करूँगी। तो आप ही इसे ज़रूर ख़रीद के अपने बेबी के लिए यूज़ करके देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हेल्दी लाइफ गोल्स।